हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा टेक। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक जो कि आपका यूज ऑफ इज आर एम है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इज का प्रयोग कब करते हैं, आर का प्रयोग कब करते हैं और एम का प्रयोग कब किया जाता है। ये बेसिकली यूज ऑफ इज आर एम आपका फर्स्ट या सेकेंड क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं यूज ऑफ इज आर एम को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहचान क्या होती है, यानी हम डेफिनेशन या फिर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि इसमें इस आर या एम में से किसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहचान को लिख डेफिनेशन लिखा है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों के साथ इज आर एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है इज आर एम मुख्यतः दो वाक्यों में किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, और जो जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको हम आगे की वीडियो में मैं शेयर करूँगा आपके साथ। अभी हम फिलहाल सिंपल प्रेजेंट टेंस को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, जिन वाक्यों से हमें यह पता चले कि कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है बल्कि जो क्रिया है वो खुद कर्ता पर संपादित हो रहा है, इस तरह के वाक्यों में हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बहुत ईमानदार है, इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी हमारा डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। देखो, रूल नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर वन आपका ये है, ये आपका कहता है कि इसका प्रयोग हम कब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट आपकी ही, सी, इट, दिस, यानी ऐसे शब्द जिनसे किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का बोध हो, वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचनकर्ता कहलाता है। तो उसके साथ हमेशा हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, ही, सी, इट, दिस, दैट, दैट, या नाउन या किसी का नाम भी हो सकता है, तो हम वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वह बहुत ईमानदार है, वह की इंग्लिश होती है ही ईमानदार, हॉनेस्ट, बहुत, वेरी है। लास्ट में हिंदी वाक्य मैंने डेफिनेशन बताई थी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आधे शब्द आते हैं उन वाक्यों के साथ इसका प्रयोग कर किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर रूल आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वह है, वह यानी ही। अब यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है ही सी इट दिस दैट आदि के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ही इज बहुत की होती है वेरी, और ईमानदार की होती है ऑनेस्ट। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसलेट होता है ही इज वेरी ऑनेस्ट, यानी वह बहुत ईमानदार है। अब देखते हैं हम आर का प्रयोग, आर का यूज हम कब करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचनकर्ता के साथ सदैव आर का प्रयोग किया जाता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट होते हैं जो कि हमें एक से ज्यादा का बोध कराए, यानी एक दो व्यक्ति हो, चार हो या काफी सारा क्राउड हो, तो वहां हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम हैं, अब हम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है यू, वी, दे, दोज आदि, ये सभी आपका प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो जैसे तुम बहुत आलसी हो, दोस्तों तुम की होती है यू, बहुत की होती है वेरी, आलसी यानी लेजी, और हो मैंने बताया था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आए तो उनके साथ इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यू आर वेरी लेजी, ये तुम बहुत आलसी हो। अगला रूल आता है रूल, तो दोस्तों अब बात करेंगे एम का प्रयोग, एम का प्रयोग कब किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बहुत आलसी हूं, आई एम वेरी लेजी। मैं की स्पेलिंग, मैं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो आई, वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में देखिए है आया है, तो इसलिए हम यहां पर हम यूज करेंगे एम। ठीक है, और बहुत, वेरी, लेजी, आलसी,
ठीक है, तो आई एम वेरी लेजी, मैं बहुत आलसी हूँ। अब देखिए पैटर्न क्या होता है कि हम ये आई कब रखा है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए लेजी हम पहले कोई रख पहले रख दे वेरी से, तो इसका एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न यहाँ पे देखिए नोट कर लीजिएगा। पैटर्न सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट मैंने प्री, अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो आप प्लीज मेरी इस इंग्लिश प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए, वहां पर मैंने डिस्क्राइब कर रखा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद आता है हमारे पास इज आर एम, उसके बाद हम वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब यूज करने के बाद फिर ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। ये आपका पैटर्न है वो अफर्मेटिव के लिए होता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास ये पैटर्न हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस सब इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इज आर एम के जस्ट बाद ही हम नॉट का प्रयोग कर नॉट यूज कर लेंगे तो हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं बहुत आलसी नहीं हूँ, अगर सेंटेंस ये वाला यहाँ पर अगर इसको नेगेटिव बनाए मैं बहुत आलसी नहीं हूँ, तो फ्रेंड्स इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा वो होगा आई एम नॉट वेरी लेजी, मैं बहुत आलसी नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगला जो आपका आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम ऐसे वाक्य जो कि क्या यस नो में आंसर दिया जाएगा इसका, तो उसमें हम इज आर एम को पहले यूज करते हैं, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये कंपलसरी रहता है। और अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैटर्न होता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वैसे तो आप अगर ट्रांसलेट करते हो तो ये आपको ये ऑटोमेटिक ही पैटर्न आपको याद हो जाता है। ये काफी सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं, मैं खुश हूँ आई एम हैप्पी, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को पहचानने के मैंने बताया था कि जो भी आपका हिंदी वाक्य है उसमें क्यों लगाकर पूछो या कौन लगाकर पूछो तो आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है तो क्वेश्चन में क्या लगाकर आप क्वेश्चन करो तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब मुझे सब्जेक्ट पता करना है तो सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया, क्यों और कौन लगाकर पूछो तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो कौन खुश है, मैं, आंसर हमें मिलेगा मैं खुश हूँ। तो इसके लिए सब्जेक्ट सबसे पहले हम आई लगाएंगे, उसके बाद पैटर्न में दे रखा है इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर एम एम यूज करेंगे क्योंकि हमारा रूल नंबर थर्ड कहता है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। तो आई एम खुश यानी हैप्पी, ठीक है, फुल स्टॉप। आप अगला है, मैं अभी भूखा हूँ, मैं अभी भूखा हूँ, वही सब्जेक्ट हमारा इसमें कौन भूखा है, मैं भूखा हूँ, तो सब्जेक्ट हमारा आई आएगा। आई के बाद हम यूज करते हैं इज आर एम, तो आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं, रियल नंबर इसमें थर्ड का यूज किया गया है। और अभी मैं भूखा हूँ, ऑब्जेक्ट आता है, क्या हूँ मैं, भूखा, तो हंग्री, ठीक है, हंग्री, और उसके बाद आएगा अभी यानी राइट नाउ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल और देखें, मैं अपने पढ़ाई के लिए तैयार हूँ, कौन तैयार है पढ़ाई के लिए, मैं, तो यहाँ पे आई का यूज करेंगे, आई आएगा, फिर उसमें आई के साथ हमेशा एम का यूज कराया जाता है तो एम, हमने यहाँ पे एम लिखा है, आई एम। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है किसके लिए तैयार हूँ, पढ़ाई के लिए, तो यानी वर्ब आई रेडी, वर्ब रेडी, और किसके लिए तैयार हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए, फॉर माई स्टडी। ठीक है, ये आपका फुल स्टॉप। जैसे ही काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए तुम बुद्धिमान हो तो इसका क्या बनेगा, तुम यानी यू, ठीक है, तुम की स्पेलिंग होती है यू, और यू के यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करते हैं, रियल नंबर टू है, और बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट, ठीक है, और फुल स्टॉप, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पैटर्न बताया था, सबसे पहले हम इज आर एम का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या हुआ खुश है, यानी इंटरोगेटिव वो क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हमें यस और नो में दिया देना होता है या फिर ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है। तो ये हमारा यस नो टाइप इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो इसके लिए
हमारा ये पैटर्न यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था अभी आपको, उसका पैटर्न यहाँ पे होता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे इज आर एम। अब वह यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा वह, यहाँ पर कौन खुश है, वह खुश है, तो वह हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यानी वह यानी ही। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम इज का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका रूल नंबर 1 में मैंने अभी आप बताया था इज। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यूज होता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम इज लगाएंगे, सबसे पहले इज लगाएंगे, फिर उसके बाद ही का यूज करेंगे, और खुश यानी हैप्पी, ठीक है। और फिर क्वेश्चन वर्ड हमारा ये क्वेश्चन मार्क लगा के हमारा ये सेंटेंस वो कंप्लीट हुआ है। ऐसे काफी सारे एग्जांपल हैं, क्या तुम खुश हो यानी हम खुश हैं, क्या वे अध्यापक हैं। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा दे रखा है वे यानी दे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा यस। तो सबसे पहले इन वाक्यों में, क्वेश्चन वर्ड वाक्यों में, सबसे पहले हम इज आर एम का यूज करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो इसके लिए हम आर का यूज करते हैं रूल नंबर 2। तो आर वे की स्पेलिंग होती थी दे, और अध्यापक टीचर्स, दे आर दे टीचर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था यूज ऑफ इज आर एम। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ऐसी ही इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।